तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो इस आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप जो है कोई भी वीडियो या फोटो या ऑडियो फाइल को जो है हाइड करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो सो इस आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप जो है किसी भी ऑडियो वीडियो या फोटोज को जो है बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए बिना, आप जो है उसे जो अपने मोबाइल में हाइड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिक्योरली और बिल्कुल सेफली। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इससे पहले चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो दिन में चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आप जो है किसी भी ऑडियो वीडियो या फोटोज को जो है बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से जो है कैसे हाइड कर सकते हैं। तो सो गाइस, अभी जो है हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पर और साइड में जो आपको जो है मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, देने के साथ अपने वीडियो के टॉपिक ऊपर जाने थे कि आप जो है कैसे जो है बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से जो है आप जो है किसी भी ऑडियो वीडियो या फोटोज को जो है हाइड कर सकते हैं। तो सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको जो है अपना फाइल मैनेजर ओपन करना होगा। यहाँ पे जो सबसे पहले आप जो अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए, और फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। सिंपली आपको चले जाना है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको जो है जिस भी फोटो या वीडियो या ऑडियो फाइल को जो है यहाँ पे आपको जो है हाइड करना है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई एक हम अपना यहाँ पे देंगे, इस फाइल मैनेजर में आकर जो है आपको जो उस फोटो या उस वीडियो को या उस ऑडियो फाइल को जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसको जो है आपको हाइड करना है। तो सिंपली जैसे मान लीजिए हमको ये दो फोटो यहाँ पे हम दो चार फोटो ऐसे कुछ भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे एक दो वीडियो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं जैसे कि ये वाला और ये वाला। उसके बाद सिंपली हम इसको कर लेना है आपको कॉपी, यहाँ पे जो है इस फाइल को जो है कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको जो है फिर से चले जाना है अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाकर जो आपको जो है यहाँ पे जो एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो आपको क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पे जो है हम आपको एक फाइल क्रिएट करना है आपको, या आप नहीं भी कर सकते हैं, आपको वीडियो अंत तक जो जैसे हम मैं यहाँ पे जो है एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जैसे BBB करके यहाँ पे एक टेक लिख दे रहा है मैं कल फाइल के नाम टेक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा फाइल का यहाँ जो है सक्सेसफुल यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया होगा टेक के नाम से, यहाँ पे देख सकते हो टेक के नाम से फाइल क्रिएट हो गया। सिंपली जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया होगा सिंपली आपको इसमें पहले सबसे पहले पेस्ट कर देना है। जैसे देख लिया हमने यहाँ पे जो फाइल कॉपी किया था, जो फोटो या वीडियो कॉपी किया था, सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर दे। उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ से चले जाना है बैक, और बैक आकर जो है जो आपने फाइल क्रिएट किया होगा ये वाला, और इसका जो भी आपको नाम लिखे होंगे सिंपली आपको जो इस फाइल को जो रिनेम करना होगा। रिनेम करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे इसको फाइल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला मोर का, मोर का नहीं तो आपको अगर आपके मोबाइल में आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो तो आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 3 डॉट आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, और जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करिएगा तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन आएगा रिनेम का, यहाँ पर देख सकते हैं जो रिनेम वाला ऑप्शन आ रहा है आपको ये वाला, सिंपली आपको रिनेम फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो है इस आपको जो है यहाँ पे जो है मतलब जो भी फाइल का नाम होगा उसके पहले एक डॉट लगा देना होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। उसके बाद जो है आपको जो ओके का बटन दिखेगा सिंपली आपको जो है इसको ओके पर क्लिक कर देना, जैसे हम यहाँ पे जो है डॉट लगाकर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक कुछ बोलेगा सिंपली आपको इसको भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे जिस भी फाइल के आगे डॉट लगाया वो फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली हाइड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कोई फाइल नहीं है अभी उस नाम से, टेक के नाम से हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया था, अब यहाँ पे जो फाइल मैंने से जो वो फाइल हट गया है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा कि आपको जो भी अपने फ़ोटो या वीडियो को उस फाइल में पेस्ट किए होंगे या उस फाइल में कॉपी किए होंगे उसको देखना होगा। तो सिंपली आपको जो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ चलाना है बैक, और बैक जाकर इसको सिंपली बैक कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको जो अपना फाइल मैनेजर ओपन करना होगा, देखिए फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको जो आपके अगर आपका मोबाइल किसी और कंपनी का हो तो आपको जो है जैसे ही फाइल मैनेजर ओपन करिएगा तो आपको जो है फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ आ जाएगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी आ सकता है सेटिंग ऑप्शन। मेरे में यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, ये जो 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस 3 लाइन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से गाइस आपको चले जाना होगा सेटिंग में, यहाँ पे देखिए तो सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना होगा, और सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है गाइस यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं
ये वाला ऑप्शन शो हिडन फाइल, देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा शो हिडन फाइल का ऑप्शन, देख सकते हो ऊपर की तरफ, इस वाला ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा, शो हिडन फाइल का ऑप्शन है, सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेगा तो इसके बाद आपको सीधे अपने फाइल मैनेजर में चले जाना होगा। देख सकते हो यहाँ पे हमने ये वाला फाइल बनाया था डॉट टेक के नाम से, जो फाइल बनाया था ये फाइल हमको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो भी वीडियो वीडियो या फोटो हमने कॉपी किया था ये सब फोटो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे सब तो वही सेम ही है और यहाँ पे जो सब फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इस तरह से जो है किसी भी ऑडियो वीडियो या फोटो को जो है हाइड या अनहाइड कर सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर आप उस फोटो को देख लेते सिंपली आपको सेटिंग में जाकर वो ये सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको शो हिडन फाइल को ऑफ कर देना है, तो आपका जो फिर से वो फाइल जो है हाइड हो जाएगा। और इसको जैसे ही ऑन करिएगा तो आपका जो फाइल फिर से शो करने लगेगा आपके फोल्डर में। तो आप जो है इस तरह से जो अपने इस किसी भी ऑडियो वीडियो या फोटोज को जो है हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो सो गाइस यही वीडियो थी और यही ट्रिक था, तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।